हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको मैं अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और बीच में एक दिन ब्लॉग इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मैं किसी काम से बाहर गया था और किसी का बर्थडे था रिश्तेदार में, मतलब पापा के दोस्त के बेटे का बेटी का बर्थडे था तो उसमें गया। फिर किसी पापा के फिर दोस्त के बेटी का बेटे का बर्थडे था उसमें गया, तो उस वक्त इधर बिजी हो गया और फिर मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया और इधर उधर भागने दौड़े में, तो आपके लिए ब्लॉग नहीं ला पाया। आज ब्लॉग ला रहा हूँ तो जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं ला पाया उसके लिए सॉरी। और आज फुल ब्लॉग में मस्ती करेंगे और क्योंकि आज तो मुझे कहीं जाना नहीं है और आज ब्लॉग में आपके साथ। तो आज का मौसम बड़ा सुहाना है और काले बादल भी हैं कुछ कुछ कम, जिधर बादल नहीं किधर बादल हैं, वैसे ही बादल जिधर से उधर हवा में चल रहे हैं। और मौसम भी अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल मौसम है। अब बीच में थोड़ी सी गर्मी लगती है, हवा चल जाती है और अच्छा लगने लगता है। तो आज का मौसम इतना अच्छा है, ऐसे ही बना रहे शाम तक तो पूरा मज़ा रहेगा और शाम को बारिश हो जाए और सुहाना मौसम हो जाएगा। तो और आपको इस बीच में बारिश हो गई थी सुबह टाइम और जो पानी भर गया था वो वाला भी हिस्सा मैं आपको भी दिखाऊँगा इस ब्लॉग में ही। आपको इस समय आप मौसम के बादल देख सकते हैं, इस समय कम बादल थे, सुबह टाइम ज़्यादा बादल थे काले उस साइड में लेके वहाँ से वहाँ तक का पूरे काले बादल थे। अब काले बादल कम हो चुके हैं तो अब हल्की हल्की धूप आने लगी है। तो भगवंत कहते हैं पर धूप प्लीज़ मत लाइए और हल्के से काले बादल रहने दीजिए और छाव टाइप रहने दीजिए और पूरे एंजॉयमेंट बना रहने दीजिए। तो इस समय काले बादल और सूर्य देवता प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे और बादल तो और बादल अच्छे लग रहे हैं और साथ में वाइट कलर की बर्ड भी हवा में उड़ रही हैं और कई तरह के बर्ड। और मौसम जब अच्छा होता है ना आपको बर्ड की आवाज़ बाहर बैठना और आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है और मन भी बहलता है उससे। तो मैं नीचे आ गया अच्छे से तो देखा सैंडविच बनाना है, मैं बोली सैंडविच बना लूँ अपने, बाकी सब खा चुके हैं तो अपने लिए सैंडविच बना रहा हूँ। और एक कुछ ब्रेड बची रखी थी दो ब्रेड, तो उसको भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि ये नई वाली ब्रेड बच जाए ठीक है, पुरानी वाली ब्रेड बच जाएगी और ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। तो पुरानी वाली पहले यूज़ करते हैं फिर ताज़ी वाली बनाते हैं। तो पहले पुरानी वाली ब्रेड का मैंने ताज़ी वाला रख दी, फिर ध्यान आया तो पुरानी रखी है तो उसको निकाल ली और एक ब्रेड सेक लिए और एक ब्रेड पुरानी फिर नई वाली से सेकूँगा। अब मेरे सैंडविच का बैटर रेडी है, आलू और मैंने रेडी कर दिया था। तो रेडी करने के बाद मैं चला गया था बनाने, तो बाकी सब उन्होंने बना के अपना खा लिया। उसके बाद जो मैं अपना घर वाला घी का ब्रेड लगा और अलग मज़ा आता है क्योंकि बाहर वाला घी होता है, मार्केट का घी होता है, मेरे को येलो येलो होता है और ऐसा आपको घी नहीं मिलेगा तो वो अलग मज़ा देता है, बाहर वाला नहीं देता इतना मज़ा जितना घर वाला देता है। तो घर वाला हम लोग घर पर ही घी यूज़ करते हैं तो पूरा मज़ा देती है, तो ग्रेट सक्सेस। तो हम लोग ही घर वाला घी खाते हैं और ये बची हुई ब्रेड रह गई थी तो उसको पहले यूज़ कर रहे हैं और बाद में इसको यूज़ करेंगे। और मैंने रख दिया ब्रेड सीख रही है, तो पहले वाले वीडियो बनाते टाइम तो वो ज़्यादा तेज थी प्लेन तो ऊपर वाला थोड़ा तो ज़्यादा जल गया तो हम स्लो कर दी क्योंकि ज़्यादा ना जले, क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा और कम फ्लेम में रख के पकाना है क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा घर वाले देखेंगे काटे अरे ज़्यादा जला दिए ले बर्बादी कर दिए। तो कम फ्लेम में कम गैस यूज़ करके सैंडविच बनाते हैं हम लोग। तैयार हो चुकी है और खाने में फूल मजा आएगा क्योंकि साथ में अपना घर का घी लगा हुआ है, घर का घी बना हुआ उसको यूज़ किया हुआ है ब्रेड में और टेस्टी लगेगा मार्केट घी से ज़्यादा। तो मैं अपने अभी ब्रेड का मज़ा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने आपको बर्ड्स एंड मिरर के बारे में मैंने डाला था थंबनेल, तो थंबनेल में ज़्यादा कैची मुझे नहीं लग रहा था, लोगों को पसंद आए ना आए तो मैं फिर से चेंज करके उसको फिर से बना रहा हूँ क्योंकि उसमें यह था जो हमारे घर में जो मिरर है छत पे जाते हैं जब मिरर पड़ती है बीच में तो उसमें क्या करती है चिड़िया आती है चोंच मारती है, सोचती है कोई और आ गया कोई और आ गया उसको मारने के चक्कर में उसमें मारती है, उसको ये नहीं कहता वो हमारा फेस है तो ऐसा लगता है वो उसमें खेल रही है या क्या कर रही है। तो उसी पर मैंने वीडियो बनाई थी और ब्लॉग पर मैंने उसकी वीडियो डाली थी और बाकी जानकारी दी थी तो उसमें मैं अपना ये थंबनेल मेरा बन चुका है तो बस इसको थंबनेल बस पोस्ट करना है, बाकी सब तो वीडियो अपलोड हो ही गई है और एंड स्क्रीन भी लग चुकी है, आई कार्ड आई बटन भी लग चुका है, बस थंबनेल दोबारा चेंज करके ये लगा देना है बस।
अब वीडियो अपलोड पे हो चुकी है। हमने तो 2 साल का आपको बताया था, 2 साल का मैंने फिनिश हो गया। उसके बाद खाने वाने का टाइम हो गया, फिर खाना खाने चला गया। मैं सोचा चलो खाने टाइम ब्लॉग कर लूँ, फिर अच्छा खाने के जल्दी भी ला गया, फिर खाने जाने चला गया, खाने में ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। उसके बाद तुरंत वहाँ पर टीवी देख, खाने के बाद लेट गया, टीवी देखते रहा, अरे नींद की नींद चढ़ गई मुझे, नींद आने लगी। मैं सोचा मम्मी मुझे कपड़े भी उतारने बाहर ऊपर से, तो यार मैं सोचा टीवी नहीं बंद करूँगा तो सो जाऊँगा, पे डांट पड़ेगी, टीवी चलता है तो सो गए। तो उठा मैंने टीवी बंद किया, उसके बाद अभी वो यहाँ पे आया जो थी कूड़ा वाली गाड़ी आ गई, फिर कूड़ा देने गया तो वहीं से छत पे चला गया, छत से कपड़े उतार के ले आया। तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत मैंने वीडियो जो था बना बना मैं अपलोड डाल दिया लैपटॉप में गूगल एडिटिंग के लिए, फिर उसके बाद जैसे ही बिस्तर पर अपलोड करने वाले से ही लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया और जिस तुरंत नींद आ गई, 4 बजे नींद आ गई। उसके बाद मैं उठाऊँ 6 बजे, 6 बजे उठाऊँ और उसके बाद मन नहीं आता ब्लॉग शूट करने का, शीशा लग रहा था। फिर अब 7 बजे मैं फ़ोन उठाया, फिर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आपके लिए। और तो पक्का यूट्यूबर फैमिली कहेगी डांटेगी, भाई आपने तो बोला था अभी बस 2 घंटे बाद ब्लॉग ब्लॉग में फिर आपको घुमाऊँगा ये करूँगा। अरे क्या बताएं हम, क्योंकि मानी को भी जल्दी खाने को बुलाया गया जल्दी, फिर खाने के लिए चला गया। उसके बाद आया मैं तो मैं नींद लग गई, तो नींद लगती है कितने लंबी नींद, 2 घंटा सो गया, 6 बज गया। और ब्लॉग शूट करने के लिए कहेंगे आप 6 बजे उठे थे, 6 बजे ब्लॉग उठे तो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मैं गया मेरा ब्लॉग शूट करना है, 7 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पक्का पब्लिक कमेंट का एक यूट्यूबर फैमिली, यूट्यूबर जितने फैमिली हैं मेम्बर वो कहेंगे भाई 6 बजे कहता है ब्लॉग उठाऊँ, 6 बजे ब्लॉग शूट करना चाहिए, 7 बजे ब्लॉग शूट कर रहा है। पक्का कमेंट पर जरूर आने वाली है, बोलेंगे जरूर। तगड़ी वाली नींद आ रही है और क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी लगा दिया, वीडियो को एडिटिंग अपलोड हो गई तो एक्सपोर्ट पे लगा दिया। और अभी मार्केट जा रहा हूँ, मुझे मार्केट में कुछ काम है, पापा ने काम से भेज रहे हैं तो ज़्यादा घंटा लग जाएगा मार्केट से आने में और जाने में आधा घंटा लग ही जाएगा। फिर उसके बाद मुझे फिर अपना बिस्तर सही करके पूरा टोटल आधा घंटा कम्प्लीट हो जाएगा तो एक्सपोर्ट सेफ हो जाएगी मेरी वीडियो जो मैंने एक्सपोर्ट की थी वीडियो आपके लिए। उसके बाद मैं सुबह अपलोड कर दूंगा तो आप सब लोग सुबह आपको अपलोड वीडियो मिल जाएगी और आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। तो ऐसी ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। तो चलिए बाय।